अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना शेफ यूट्यूब चैनल। आज एक और रेसिपी के साथ मैं आपके साथ खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम बनाएंगे सी फूड प्रॉन टोस्ट। टोस्ट कैसे बनता है, क्रिस्पी टोस्ट होगा, ये कैसे बनता है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको और आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में किन किन चीजों की हमें जरूरत है, हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनेगा, तो आइए मेरे साथ रहिए, कंप्लीट वीडियो मेरे साथ देखिए। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं कुछ प्रॉन्स और मेरे पास यहाँ पे फिश है। तो ये देखें जी, मेरे पास बिल्कुल छोटा साइज है, प्रॉन का श्रिम्प बोलते हैं इसको, तो ये सी फूड में आते हैं। ये फिश है मेरे पास, तो इसको मैं अब मजीद थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, तो इस तरह मैं इसको पीसीज में कट कर लूँगा। ऐसे पीसीज में कट करेंगे, इसी तरह मैं फिश को कट कर लूँगा, तो फिर इसको हम मैरिनेट करेंगे। इसके बाद प्रॉन की तेल मैंने पहले से ही उतारी हुई थी, तो आप तेल उतार लें प्रॉन की और प्रॉन को अच्छे से साफ कर लें, क्लीन कर लें। ये ऐसे ही मैं सी फूड का करूंगा, छोटे छोटे पीसेस कर लूंगा मैं। जी हाँ, तो देखिए मैंने फिश और प्रॉन को अपने मिक्स कर लिया, इस तरह पीसेस में काट के मैंने मिक्स कर लिया। इसको मैं बॉल में डालता हूँ और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल है मैं आपको बता रहा हूँ और रेसिपी में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल जो है गार्लिक है, इसमें मैं डालूंगा रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर ऐड करूंगा इसमें मैं। यहाँ पे मेरे पास ऑनियन पाउडर है, ऑनियन पाउडर ऐड करूंगा मैं, ज़ीरा पाउडर ऐड किया मैंने, धनिया पाउडर ऐड किया मैंने और मैंने गरम मसाला ऐड किया इसमें, थोड़ा सा रेड चिली है क्रश वाली और इटालियन हर्ब, आपके पास कोई भी अवेलेबल है तो आप वो डाल लें, इटालियन हर्ब और लेमन जूस, एंड में लेमन जूस डालेंगे। और फिर इसमें मैं एक टीस्पून अपना डालूंगा कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर डाल दिया मैंने इसमें, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा। तो इसको मिक्स करूंगा मैं इस तरह से, थोड़ा टाइम भी इसको मैं बाद में दूंगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया आपने, मिक्स करके अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगा। तो आइए नेक्स्ट क्या है वो आपको बताते हैं, शेयर करते हैं। यहाँ पे अब मैंने दो ब्रेड स्लाइस ले लिए, तो मैंने एक अंडा भी ले लिया, एक अंडे को मैंने फेंक लिया अच्छे से। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि मैं इसको ब्रेड को ऐसे एक साइड पर अंडा लगाऊँगा, ऐसे मैंने अंडा लगा दी ऐसे, और दूसरी ब्रेड को भी ऐसे ही मैं अंडा लगाऊंगा। अंडा लगा लेना आपने अच्छे से, अगर आप चाहें तो एक अंडा उसमें भी मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं जो मैंने ये सी फूड बनाया। तब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा इसको इस तरह करके, बिल्कुल फुल भर के लगाएं आप। हमारे प्रॉन टोस्ट रेडी होने जा रहे हैं, अब इसको हम करेंगे डीप फ्राइड। डीप फ्राइड इनको कैसे करना है आइए मैं आपको बताता हूँ, चलें आइए डीप फ्राइड करते हैं। तो 160 डिग्री टेम्परेचर है मेरा फ्रायर का, प्रेस लूँगा और इसमें इस तरह से मैं डीप कर दूँगा ऐसे करके। 160 है, देखें दूसरा भी इसी में डाल दूंगा ऐसे ऐसे करके। अब मैं इनका वेट करूंगा और इसके ऊपर मैं ऑयल ऊपर स्प्रिंकल करता रहूंगा ताकि इसको मज़ीद कलर सेम आए। इस तरह करके आपने इसको हिलाते रहना, थोड़ा ऑयल ऊपर फेंकते रहना है ताकि इनको कलर भी सेम आए और ये अच्छे से कुक भी हो जाए। ऐसे करके थोड़ा सा डीप भी कर देंगे इनको, देखें तो अब हाफ डन हो गए हैं ये
अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगा, क्योंकि मैंने इंतज़ार किया, अगर मैं पहले इनकी साइड चेंज कर देता तो जो सी फूड हमने इसके ऊपर लगाया था वो उतर भी सकता था। तो ये देखें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया दूसरी साइड से, अब मैं वो वाली साइड का इसका इंतज़ार करूँगा कि ये उस पर भी कलर आएगा। बड़े अच्छे गोल्डन कलर आ रहे हैं। प्रॉन टोस्ट हमारे रेडी हुए, अब मैं इसको बाहर निकालूँगा। टोस्ट हमारे देखें बहुत मज़ेदार तैयार हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, बड़ा ज़बरदस्त, क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब इसकी हम कटिंग करते हैं, प्लेट में लगाते हैं, इसकी साइडें ऐसे करके उतार देनी है। ये देखिए फुली लोडेड है, तो कैमरा मैन नज़दीक से दिखाएंगे आपको, फुली लोडेड है, सी फूड है ऊपर। तो इसके मैं ऐसे करके चार पीस करूँगा, जी हाँ। तो रेडी है हमारे प्राउन टोस्ट, क्रिस्पी प्राउन टोस्ट रेडी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें घर में बना के, मुझे भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें माशाल्लाह कलर आप देख सकते हैं इसका, बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन आया। इसी तरह खाने में भी यमी है, क्रिस्पी है, थोड़े स्पाइसी भी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।